Recently, at the grand music launch of the film Manikarnika, actress Kangana Ranaut reacts to the biggest clash of the year, that is Manikarnika versus Thackeray. Have a look at her interview. के लिए बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छी ट्रेलर है. आपके साथ पहले चीट इंडिया आ रही थी, उसके करीब ठाकरे भी आ रही थी. तो चीट इंडिया अब ठाकरे से बातचीत के बाद 18 जैन को आ रही है. तो आपको क्या कितना प्रेशर है ठाकरे के साथ आप मूवी आ रही है, और किसी तरह का आपको कोई प्रपोजल आया था फिल्म के लिए, मतलब डेट डिले की जाए या कुछ ऐसी बातचीत की जाए? नहीं, ऐसा कुछ हमें किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी ने हमें कहा कि आप डेट डिले कीजिए, और ना ही किसी तरह का प्रेशर पड़ा है हम पे. इनफैक्ट हमें किसी ने अप्रोच भी नहीं किया. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो वी हैव अ sort of a big window for there are vacations and it's a big you know sort of a kind of a festive release. So I think two films can easily come. So far nobody has pressurized. It would be completely wrong to say that you know we've been approached or pressurized into doing something we don't want to do. Okay, thank you everyone. Shari ji, release ki baat karte hain to kitne languages mein hai aur kitni big release hogi ye film? Grand film hai. जी हाँ, तो हम लोग हैं ना इन एक्सेस ऑफ 3000 स्क्रीन्स होंगी ये, और हिंदी तमिल तेलुगु में तो आ ही रही है. तो इट्स गोइंग टू बी द लार्जेस्ट रिलीज ऑफ दैट वीकेंड एंड लार्जेस्ट रिलीज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीज ऑफ 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 फीमेल लेड फिल्म तो डेफिनेटली है. तो वी आर ऑल वेरी यू नो एक्साइटेड एंड प्लीज एंजॉय द मूवी एंड थैंक यू फॉर ब्रेविंग द कोल्ड. इट डजंट फील लाइक वी आर इन बॉम्बे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. इट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट एंड वर्ल्ड.